अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज की वीडियो में हम करेंगे सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनदर टॉपिक, दैट इज़ गाज़ीज़ लॉ। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर पे हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ कौन था पहले वो जान लेते हैं। बच्चों, कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक जर्मन मैथमेटिशियन था, वेरी वेल नोन मैथमेटिशियन। इसका मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क है, इसीलिए ये वेल नोन है, और इसने फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारा काम किया। इसकी एक मिसाल ये गाज़ीज़ लॉ भी है, जिसमें इसने बताया कि अगर मुख्तलिफ किस्म की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हों, मतलब चार्जेस मुख्तलिफ तरह से डिस्ट्रीब्यूट हों, अगर किसी शीट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, किसी सफ़ियर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, किसी बैलून के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, किसी दो प्लेटों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, किसी सिलेंडर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हमें उन सारी सिचुएशंस के अंदर, इन सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना पड़ जाए, तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, दैट लॉ इज गाज़ीज़ लॉ। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। आइए इसे समझिए। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस, किसी क्लोज सर्फेस में से बाहर निकलने वाला फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। वो 1/ε0, ε0 आप जानते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट शेप। उस क्लोज शेप के अंदर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/ε0 से, तो आपको पता चल जाएगा उस क्लोज शक्ल के अंदर से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। ये एक मेथड है जिसके जरिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक सिचुएशन लेट करते हैं। फर्ज कीजिए आपके पास एक शेप है, कोई एक रैंडम शेप कंसीडर कर लें, आर्बिट्ररी शेप कंसीडर कर लें, आर्बिट्ररी किसी भी तरह की कोई आर्बिट्ररी शेप आपने कंसीडर कर ली। अब इसके अंदर चार्जेस हैं, Q1 पॉजिटिव लीजिए, Q2 पॉजिटिव हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं चार्जेस, इसी तरह से Q4 और सो ऑन। में फर्ज करता हूँ चार्जेस यहाँ पे n चार्जेस हैं, बहुत मैसिव चार्जेस हैं, Q चलता जा रहा है और Qn तक, 1000, 1 लाख जितने भी चार्जेस हैं यहाँ तक। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर क्लोज एरिया में से, सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही होती हैं, बाहर की तरफ, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं तो ऑफ कोर्स इस सरफेस एरिया को क्रॉस करके बाहर आ रही होंगी हमें, और हम जानते हैं कि जब किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करके बाहर निकले, तो हमने पढ़ा था किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सामने पड़े सरफेस एरिया में से गुजर के आ जाएँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। तो हमें इन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, जो चार्जेस क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं, तो वो कैसे मालूम होगा, हमने कंसिडर कर लिया। हम फर्ज कीजिए डेरीवेशन कर रहे हैं इस गाज़ीज़ लॉ की, तो हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर कीजिए, हमारे पास n पॉजिटिव चार्जेस हैं, वी हैव n पॉजिटिव चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ले लीजिए, और कैसे हैं n, 1, 2 एंड सो ऑन, n चार्जेस हैं, जिसे मैंने किसी क्लोज्ड आर्बिट्ररी जैसी मर्जी शेप ले लीजिए उस शेप के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है, ये मेरे पास सिचुएशन है। अब आप जानते हैं कि हर चार्ज की वजह से इंडिविजुअल फ्लक्स होगा। Q1 को अगर मैं देखूं तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्टन एरिया में से, जो सेम सामने इसके एरिया है, इस एरिया में से बाहर की तरफ आ रही हैं, तो अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करूं ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू, पहला काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1,
पहला जो चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करूँ, फाई वन किसके बराबर आ जाएगा। अभी पिछले टॉपिक के अंदर हमने किया था, एक सरफेस था सफेरिकल, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ था, तो रिजल्ट याद है क्या था उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या रिजल्ट था? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कौन से की बात हो रही, पहले की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज वन वो आपके पास आ जाएगा क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज टू वो आ जाएगा फाई टू इज इक्वल टू क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये सिचुएशन चलती जाएगी कितने चार्जेस के लिए, आखिरी चार्ज कौन सा होगा क्यू एन, लास्ट चार्ज कितना है 100 वाला है या 500 वाला है, तो क्यू एन चार्ज आ जाएगा। और आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, यहाँ पे फ्री स्पेस हमने रखी हुई है उसकी परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है हमारे पास 8.85 × 10^-12, ये हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के अंदर भी। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज ये लास्ट वाले एन चार्ज के लिए आ गया। और अगर मैं टोटल फ्लक्स मालूम करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सारे चार्जेस की वजह से करूं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, सारे फ्लक्सेस को क्या कर दूंगा, सारे फ्लक्सेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास सारे फ्लक्सेस की वैल्यूज हैं, फाई वन की वैल्यू क्या है क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट पे Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन नज़र आ रहा है सारे फैक्टर्स में से, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn, ये आपके पास आ गए फैक्टर्स। टोटल फ्लक्स दैट इज पासिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस ड्यू टू n चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अच्छा अब बताइए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ये आपके पास बाहर कॉमन फैक्टर है जो सब में था, ये क्या है Q1 Q2 Q सारे जमा हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो सारे चार्जेस हैं जो इनके अंदर इनक्लोज हैं, तो ये क्या है फिर, ये क्या बन जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उस सरफेस ने उस शेप ने जो टोटल चार्ज इन क्लोज किया हुआ सारे का सारा जमा हो रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू कैपिटल क्यू, ये आपके पास आ गया टोटल फ्लक्स, या आप इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दीजिए ड्यू टू अ आर्बिट्री शेप जिसके अंदर हमने चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ था, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस शेप की वजह से आ गया जिसके अंदर चार्जेस अनगिनत चार्जेस उसके अंदर पड़े थे, मैंने उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया। ये है वेरी सिंपल गाज़ी ज़िला जिसे हम आगे अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आती हैं, चार्जेस मुख्तलिफ शेप में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, स्प्रिंकल्ड हुए हुए होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, वहाँ पे हमने इस गाज़ी ज़िला को अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास है जी गाज़ी ज़िला। तो बच्चों ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने गाज़ी ज़िला को डिस्कस किया, स्टेटमेंट देखी, मैथमेटिकल रिलेशन देखा और उसकी डेरिवेशन देखी, और एंड रिजल्ट वही आया जो हमने स्टेट मैथमेटिकल रिलेशन में लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।